शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर आज का राशिफल, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार का अपडेट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां पे राशिफल से कि आज किन राशियों में मुनाफा देखने को मिल सकता है, किन राशियों को संभल कर चलने की जरूरत है। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माग्राम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के टीवी के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 25 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट और फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अग्नि तत्व की तीन राशियां 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु राशि आज दिन आपके लिए संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि मिश्रित सुख की तरफ इशारा कर रही है, ये पृथ्वी तत्व की राशियां होती है। 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, मुफीद रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अच्छी सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8 और 12 ये है जल तत्व की राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 3 से 4 बजे के बीच में आपको अच्छी सावधानी रखनी चाहिए। जी अखिलेश जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे कि आज का राशिफल कैसा देखने को मिल सकता है। अब कर्नल जी से जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। कर्नल जी, बात करें यहाँ से अगर आप कमोडिटी बाजार की, स्पेशली अगर सबसे पहले बात करें एग्री कमोडिटीज की, तो एग्री कमोडिटीज का बाजार हमने कल के कारोबारी सत्र में पूरा लगभग टूटता हुआ ही देखा था। ग्वार में काफी जोरदार गिरावट रही थी, मसाले फिसले थे, चाहे जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो, मसालों में भी गिरावट देखने को मिली थी। जियो पॉलिटिकल टेंशन भी हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, सबसे पहले बात अगर जीरे की करें तो जीरे में क्या अब यहाँ से अभी भी बढ़त की संभावना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने अखिलेश जी, कि जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है तो जियो इकोनॉमिकल टेंशन भी बढ़ता है जी। और ऐसी दशा के अंदर जो कारोबारी है, जो वो अपने सुरक्षित निवेश की तरफ अग्रसर होते हैं, अपना पैसा बाजारों से निकालकर सुरक्षित जगह पार्क करते हैं, ये एक बहुत पुरानी और अजमाई भी होता है। इसमें देखिए, जब जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ते हैं तो सुरक्षित निवेश की तरफ निवेशक जाता है और इस घबराहट में अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम करता है फ्यूचर बाजार में। लेकिन जो एक्सपोजर्स हैं, जिन्होंने फंडामेंटली सोच समझ के और सिस्टम को समझ के उन्होंने एक्सपोजर रखा होता है, वो इस परेशानियों में पड़ते नहीं है, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और यही वजह है कि कल देखिए, कल गिरे के अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई, जिसका कोई रीजन और सिर्फ एक ही रीजन की जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन। लेकिन जीरे के फंडामेंटल कहीं चेंज नहीं होंगे जी। जीरे की रिक्वायरमेंट कहीं चेंज नहीं होगी, जीरे की उत्पादन और स्टॉक पोजीशन कहीं चेंज नहीं होगी। और देश के अंदर ऑब्वियसली यदि ये जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग भी बढ़ेगी और जो कंजम्पशन है वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी कोई लड़ाई की हालत होती है उसके अंदर खाने पीने की वस्तुओं के एक दाम घटते नहीं है, अपितु बढ़ जाते हैं जी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं,
ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है और यदि आयात निर्यात भी करते हैं तो उसके अंदर भी कंटेनर्स के जो भाड़ा है, जो फ्रेट है, शिपमेंट कॉस्ट है, वो भी काफी बढ़ जाती है। इससे खाने पीने की वस्तुओं के अंदर तेजी और महंगाइयां बढ़ती है। ये एक मेरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, शेयर बाजार एक अलग चीज होती है, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके दाम बढ़ते घटते नहीं है, बढ़ते हैं। इसी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ जीरे के दाम आज बढ़ सकते हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी अखिलेश जी, कर्नल जी इसी साथ बात करें यहाँ से, अगर आप धनिये की, तो धनिये में भी देख रहे हैं फंडामेंटल्स मजबूत ही हैं, कम बुआई है, प्रोडक्शन भी कम रहने का अनुमान है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या धनिये में भी जीरे की तरह यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 11,000 के बाद धनिया अब 10,000 के लेवल्स पर आ चुका है। देखिए, धनिये में बहुत ये करेक्शन हुआ था, धनिये के अंदर बहुत शानदार तेजी चली 5,500-6,000-7,000 से, और उसके बाद 11,000 क्रॉस किया, और जो करेक्शन था वो एक हेल्दी करेक्शन मानना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अंदर जो कमजोर हाथ थे, जो सुबह लेके शाम को बेचने वाले थे या एक दो दिन रख के करते थे, उनकी छटनी हुई है। और जो ये टाइमली बाजारों में होती है, चाहे उसका सबब कुछ भी बन जाए, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन बन जाए या कोई सरकारी नीतियां बन जाए या कुछ हो जाए, या ऐसे हालात होते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से दर्शकों को, खासकर कारोबारियों को, व्यापारियों को कहना चाहता हूँ, व्यापार करना सिर्फ खरीद और बेचना नहीं है, व्यापार करना सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। और जो यदि इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो व्यापार कर लेता, पैसे की कमी थोड़ी है, बहुत से दूसरे लोगों के पास भी पैसा है। लेकिन व्यापार यानी खरीद और बेच, खरीद और फरोख्त का मतलब ये है कि आप उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए। यदि आप वो मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप व्यापारी नहीं हो सकते। खेल को खेलना और लेकिन खेल को जीतना दोनों अलग चीज है, लड़ाई लड़ना और लड़ाई को जीतना दो अलग चीज है। तो व्यापारी वही कामयाब होता है जो रिस्क को मैनेज कर लेता है, स्ट्रेस को झेल लेता है, वही कामयाब कारोबारी होता है। और अक्सर ये देखिए, यदि आपको ये खेल के अंदर भी यही चीज नियम लागू होती है और वॉर के अंदर भी यही नियम लागू होता है कि जिसके बड़ी फौज है, जीता वो नहीं है जिसके पास बेटर इक्विपमेंट्स है। उससे सहूलियत होती है लेकिन जीत उसी की होती है जो स्ट्रेस को झेल लेता है, सही रणनीति का पालन करता है और सही समय पे अपने आप को काबू कर लेता है। जी। जो बैकअप प्लान रखता है, यदि मान लो आपके पास आपने 4 लॉट धनिये के खरीद रखे हैं और आपका बैकअप नहीं है, तो 4 लॉट आपको जब प्रॉफिट दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, जब अचानक से आपको महीने भर बाद या 2 महीने बाद या कभी यदि उसमें स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर आपको परेशानी हो जाती है, क्योंकि आपने बैकअप प्लान ही नहीं रखा हुआ है। और जब तक बैकअप प्लान नहीं रखोगे तो निश्चित मान लीजिएगा आप कारोबारी नहीं हो सकते, आप व्यापारी नहीं हो सकते, और ये ही परेशानियों का असली सबब है इस बाजार के अंदर। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करो, ये मत सोचो कि 10-20% दे के आप है ना 4 गुने का 5 गुने का 10 गुने का काम कर रहे हो। जब धनिया किसी कल जो बाजारों में गिरावट हुई, वो गिरावट स्पॉट मार्केट में उतनी हुई नहीं। जिसके पास धनिया या जीरा गोदाम में पड़ा था उसको कहां परेशानी हुई, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। लेकिन परेशानी उनको हुई जिन्होंने फ्यूचर के अंदर 10 लॉट 20 लॉट 25 लॉट खड़े कर रखे थे, पूरा बैकअप नहीं था और ब्रोकर ने कहा कि मैं पेमेंट जमा करा, उनके पास पेमेंट इतना था नहीं और उनके सौदे कट गए। तो पॉइंट यह है कि इसमें गलती किसकी है, क्या NCDS की गलती है, क्या ब्रोकर की गलती है या फिर कारोबारी की गलती है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि यदि आप बैकअप प्लान नहीं रखोगे, अभी आप किसी पेड़ को देखते हो, जितना पेड़ ऊपर दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी जड़ें उतनी ही नीचे मजबूत होंगी, बगैर जड़ों के कोई पेड़ बन नहीं सकता।
यदि आपको पेड़ बनना है तो आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और जड़ें मजबूत का मतलब यह है कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, मार्जिन जमा करने का पैसा होना चाहिए। ये जो गिरावट थी ये टेस्ट लेती है, स्ट्रेस टेस्ट जिसे कहते हैं, वो बाजारों के अंदर वजह क्या कोई भी आ जाए, 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में पक्का आती है, और उसके अंदर यदि जो स्ट्रेस टेस्ट पास कर लेता है वो सिकंदर होता है, जो स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो ये विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये अखिलेश धनिया के अंदर मुझे आज भी तेजी नजर आ रही है और इसके फंडामेंटल मजबूत है, इसके अंदर कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। ये अखिलेश जी, इसके साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में हमने देखा था कि कर्नल जी, मैं एक और एग्री कम्युनिटीज के ऊपर बात करना चाहूंगा आपसे, ग्वार के ऊपर। ग्वार में हमने देखा कि ग्वार गम और ग्वार सीड कल को काफी ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए, 6-6% के निचले सर्किट भी लगते नजर आए, बावजूद इसके कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो काफी तेज देखने को मिली थी, कच्चा तेल $102 तक जाता हुआ नजर आया था। ऐसे में आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में ये जो अपोजिट कारोबार देखने को मिला कच्चे तेल में तेजी के बावजूद, ये क्यों देखने को मिला और अब ग्वार कॉम्प्लेक्स में आगे क्या संभावना है? देखिए ग्वार, अभी जो मैंने धनिया के ऊपर आपको एक स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस की, वो सिमिलर स्ट्रेटेजी आप ग्वार सीड के ऊपर भी देखें क्योंकि वो यूनिवर्सल है। ग्वार सीड के अंदर कच्चा तेल 7.5% ऊपर, नेचुरल गैस ऊपर, ऑयल सारा ऊपर, उसके बावजूद भी ग्वार नीचे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिकल टेंशन बना उसका फायदा उठा के कुछ लोगों ने इसके ऊपर शॉर्ट सेल का माहौल बनाया, और जो भी कमजोर लोग थे जिनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, जिनके पास धैर्य पूरा नहीं है, जो व्यापारी नहीं है, मेन मतलब की और है कि जब व्यापारी को कारोबारी को अपना बैकअप प्लान रखना ही पड़ेगा, और जिसने बैकअप प्लान नहीं रखा, जो कारोबार के नियमों से वाकिफ नहीं है, जो तिजारत या ट्रेडिंग की स्ट्रेस को नहीं झेल पाता है, जो अपनी क्षमताओं से 3-5 गुना, 10 गुना, 15 गुना काम करता है, उसको साल में 2 या 3 बार ऐसे झटके किसी ना किसी वजह से लगते हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कह लो, चाहे सरकारी नीति कह लो, या फिर किसी के कोई घटना कह लो, और उसके अंदर वो ही विजेता रहता है कि जिसके पास बैकअप है, जिसको पता है कि आप कल, ऐसा नहीं था कि कल और आज में फंडामेंटल में कोई चेंज हो जाएगा या 2 दिन के बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन कल जब सर्किट लगे, जब नीचे की तरफ गिरावट हुई, तो उसमें खरीदने वाले कितने थे? सब जो कमजोर थे सब निकल गए। तो इम्पोर्टेंट कि मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार कहने की प्रयास करता हूं कि इस व्यापार और कारोबार वो सिर्फ और सिर्फ वो ही लोग करें जिन्हें स्ट्रेस की ताकत झेलने की हो। एक दूसरी चीज, यदि आपने अपने क्षमता के हिसाब से काम कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज जो किसान है जिसके पास 50 बोरी है, या जो व्यापारी है जिसके गोदाम के अंदर 200, 500, 1000 या 20000 बोरियां रखी हुई है ग्वार की, उसको कल की तेजी मंडी से कोई विशेष फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि अभी बाजार के अंदर 200-300 रुपए की मूवमेंट आई, उसने कहा मैं जितना ही बेचना है, परेशानी तो वहां ही जिसने 20 लॉट खड़े कर रखे हैं और उसकी ताकत ही नहीं है जी। तो ऐसे जो लोग हैं उनको यदि परेशानी आती है तो उसके लिए अखिलेश जी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बार बार मैं अपने शो के अंदर आप लगातार साल दो साल से लगातार आपको ये कहता हूं, क्षमता के अनुसार काम करो, बैकअप प्लान हमेशा रखो, फंडामेंटल के आधार पर यदि आपने काम कर रखा है तो आराम से 1-2 महीने, 3 महीने की रोकने की शक्ति रखो। तो आप व्यापार कर रहे हो, ये कैसीनो तो है नहीं, आपका एनसीडीएक्स कैसीनो है कि आपको नंबर आया और आपको 4 गुने पैसे मिल गए, 6 गुने पैसे मिल गए या 10 गुने पैसे मिल गए, ये व्यापार है।
और व्यापार के अंदर जो स्ट्रेस नहीं झेल सकता उसको व्यापार नहीं करना चाहिए। आपके पास किसी के पास पैसे की बहुत कम, ऐसा नहीं है कि पैसा की कोई कमी है, सबके पास बहुत पैसा है, लेकिन व्यापार में सिर्फ वही उतरे जो स्ट्रेस को समझे, फंडामेंटल को समझे, बैकअप प्लान को समझे, रिस्क एंड रिवार्ड को कैलकुलेट करके रखे, तो वो कामयाब होगा, अन्यथा नहीं होगा। जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी, बात करें यहाँ से अगर आप नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में भी काफी जोरदार उछाल आते हुए देखा और कच्चा तेल भी $100 के पार जाते हुए देखा, तो अब यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या बाजार अब आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या ये जो युद्ध है रुकेगा और उसकी वजह से क्या कच्चा तेल और सोना चांदी थोड़े नरम होते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ से अब जो बढ़त है वो जारी रहेगी? देखिए, जहां तक चांदी का सवाल है, मुझे लगता है कि आज मुनाफा वसूली हो सकती है। आज मुनाफा वसूली हो सकती है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर सोने का तो बढ़ने की बात समझ आती है, लेकिन चांदी भी उसके उसके साथ में बहुत तेजी से बढ़त दिखा दी है। तो मुझे नहीं लगता कि चांदी के अंदर आज हमें कुछ बढ़त रहेगी, इसके अंदर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यदि किसी ने ऊपर के दाम में, मतलब नीचे के दाम में खरीद की है, तो आज मुनाफा वसूल करना चाहिए, एक आध दिन के अंदर कमजोरी हो सकती है। जी कर्नल अजय जी, बात करें यहाँ से अगर शेयर बाजार की, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का असर हमने शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ देखा था, शेयर मार्केट पूरी क्रैश होती नजर आई थी, आज भी देख रहे हैं कमजोरी के साथ ही बाजार देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है अब वो कौन से शेयर होंगे जो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी मुनाफा दे सकते हैं? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन के इसमें मोमेंट जब भी होती है, तो खासकर गोल्ड के जो स्टॉक्स हैं, जैसे टाइटन है, मणिपुर है, इनको तरफ देख सकते हैं, और निचले स्तर के ऊपर आप बैंकिंग स्टॉक्स जो है अच्छी क्वालिटी के, जैसे PNB है, SBI है, ये बहुत पूरी तरह से गिरते हैं, तो इसके अंदर यदि 100 रुपए लगाना चाहते हो आप, तो 20 रुपए की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक निचले स्तर पर माल नहीं खरीदेंगे, ऊंचे स्तर पर माल नहीं बेच पाएंगे। खासकर मेटल स्टॉक्स में भी निचले स्तर की खरीदारी की जा सकती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा स्टील है जी, टाटा केमिकल है, इनको देख सकते हो आप, तो निचले स्तर पे आते हैं तो इनको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ये 1 से 2 महीने 3 महीने का नजरिया जिनका हो और अपनी क्षमताओं के आधार पर वो करना चाहिए। जी, तो कुछ आज ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा अपडेट कि आज एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और राशिफल कैसा रह सकता है। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।